एक बोट में दो दो चल के बैठ जा रहा, और इसको देखो भाई ये तीसरा भी चल के बैठना चाह रहा उसी की बोट। मैंने तो सारी बोट और प्लेस करी तो उसमें जाके बैठ जा भाई, उसी में क्यों बैठना है। और ये देखो इन दोनों की दोस्ती नहीं टूट रही भाई, जय और वीरू पूरा बने घूम रहे भाई, क्या ही करेंगे ये लोग भाई। व्हाट्सअप पॉइजन गर्ल, स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और बढ़िया सी वीडियो में। तो एक बार जरा रिमाइंड कर ले कि हमने अभी तक अपने 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 इस वर्ल्ड में क्या क्या किया है। तो हमने जो है अपने लिए काफी बढ़िया सा घर बना लिया, फार्म बना लिया, और साथ ही साथ में हमने अपने विलेजर्स के लिए उनके लिए विलेज टाउन बना दिया, जो कि आप लोग देख पा रहे जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने जब बनाया था मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा अच्छा लग जाएगा, और विलेजर को काफी पसंद आ रहे हैं, आराम से यहाँ पे घूमते रहे। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले गाइस अपने लिए लोहे का खदान, मींस लोहे की खेती उगाने वाला फार्म बनाने वाले, मींस समझ लो यार अब ठीक है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और हम बनने वाले उसके बाद काफी बड़े कबाड़ी वाले, कबाड़ी में क्यों बोल रहा हूँ, कबाड़ी मतलब अब लोहा बेचेंगे तो कबाड़ी वाले बनेगा। उसके लिए हमको काफी सारे, सबसे पहले तो काफी सारे सामान की जरूरत है, तो वो हम फटाफट से कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमको चाहिए काफी सारी लीफ ब्लॉक चाहिए, स्टोन चाहिए, सैंड चाहिए, और साथ ही साथ में हमको थोड़े से प्लैंक की जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी से हम सारा सामान कलेक्ट करके उसके बाद डायरेक्ट आपको मिलते हैं। गाइस अभी आपको जितना भी सारा सामान की जरूरत थी वो आपने देख लिया, मैंने फटाफट से सारा सामान कलेक्ट कर लिया, और मैंने फर्निस में लगा दिया सैंड को जो कि मेल्ट होकर फटाफट से अपना ग्लास के उसमें बदल जाए। और मैंने अपने जो भी मुझे जरूरत की चीजें जैसे कि मुझे ब्लॉक चाहिए, लीफ ब्लॉक, वो सारा सामान मैं अपने इन्वेंटरी में मैंने करके रख लिया। और अब डायरेक्ट चलते हैं अपने उस जगह जहां हम बनाने वाले अपने लिए आ रहे फार्म, तो फटाफट चलो चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपको डायरेक्ट। तो ये रहा गाइस वो एरिया जहां मैंने काफी मेहनत करके मैंने काफी बड़े एरिया फ्लैट करे जो कि अपने अपने कासल से काफी ज्यादा ब्लॉक्स दूर है। और फटाफट से मुझे कुछ नहीं करना, इसको अपने मुझे अपने फ्लैट एरिया से इसको 16 ब्लॉक्स अप लेके जाना है। तो जैसे 16 ब्लॉक्स अप हो जाएगा उसके बाद हमको, तो ये हो गया गाइस अपना 16 ब्लॉक हो गया। तो यो गाइस अपना 16 ब्लॉक्स पे हमने सबसे पहले अपना स्टोन लगा दिया। और प्लीज यार ये मत कहना, कोई नूब मत दिखना, मैं यार गिर गया था नीचे तो मुझे दोबारा से ऊपर प्लेस करके आना पड़ा, बट ठीक है। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस जल्दी से मुझे अब यहाँ पे 23x23 का पूरा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है जिसपे हम अपना फार्म करने वाले हैं। तो इस काम में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो जल्दी से मैं इस पूरे काम को, टाइम टेकिंग काम को जल्दी से करता हूँ। मुझे तो भाई बजाने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैंने कहा वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको फटाफट से मैं जल्दी से पूरे एरिया में कंप्लीट करके तक आप ये छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो। जो गाइस अभी हमने अपना पूरा 23x23 का प्लेटफॉर्म मैंने बिल्ड कर लिया है, और अभी हम रेडी हो चुके हैं। अपने पास काफी सारे स्टोन की जरूरत कमी पड़ गई, तो मैं फटाफट से काफी सारा माइंड भी करके मैंने काफी स्टोन को मेल्ट करके स्मूथ स्टोन बना लिया। और अब जल्दी से मैं यहाँ पे 2x2 की बढ़िया सी एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ, साथ में एक ब्लॉक में लगाने वाला ऊपर लीफ ब्लॉक जो की काफी ज्यादा लुक भी अच्छा कर देगी। और साथ में एक काम ये करेगी कि अपने फार्म को ना एक आयरन को भी बाहर, एक आयरन गोलम को बाहर नहीं जाने देगी, जो की काफी ज्यादा अच्छा होगा भाई। अगर इसी एरिया में स्पॉन हो गए तो वो फटाफट से खुद ब खुद मरते रहेंगे, तो मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ भाई कोई आयरन गोलम इधर टहल के भाग गया, उधर भाग गया। और एक चीज और, मेरे साथ एक वीडियो के एंड तक एक इतना बड़ा स्कैम होगा ना गाइस, में क्या ही बताऊं, बट आप लोग देखते रहो, एंजॉय करो, बहुत मजा आने वाला लिटरली। और प्लीज मुझे कमेंट जरूर बताना कि इस आयरन से मैं इस वाले फार्म्स में कितने आयरन प्रोड्यूस कर पाऊंगा इन पर आवर। और साथ ही साथ में मुझे जरूर बताना कि और मैं कैसे कैसे आइडियाज बना सकता हूं अपने आयरन फार्म में, प्लीज मुझे जरूर कमेंट करना। एंड चलो जल्दी से मैं सारा काम वो करके अपना उसके बाद आयरन को मिलता हूं, बिकॉज अगर मैं ऐसे करता रहा ना तो प्लीज वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड अगर आप लोग को पसंद आती है वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर बताना, एक चीज और कमेंट करना कि हाँ मैं वीडियो लंबी बनाऊं या फिर शॉर्ट वीडियो रखूं, ठीक है। जल्दी से मैं सारा काम करके उसके बाद आपको मिलता हूं। तो
यो गाइस, अभी हमने जैसा कि आपने देखा काफी ज्यादा मैंने पानी अगर यहाँ पे डाल दिया और अब हम डायरेक्ट आ चुके हैं अपने जो भी जहाँ हमारे विलेजर्स रहने वाले हैं और उनके लिए जो मुझे प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है जिसपे वो लोग आराम से तफरी फरमा पाएंगे और जिसपे वो लोग भाई चलेंगे और अपना जो है फार्म वर्क करेगा जिस चीज़ तो उसके लिए मुझे काफी कुछ नहीं, बस मुझे अपने इस ब्लॉक से 3 ब्लॉक हाइट पे करके उसके बाद मुझे पूरा 7x5 का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है जिसपे एटलीस्ट कम से कम 20 बेड लग जाए और बीच उसके बीच में मेरे को ना पूरा ग्लास का भरने वाला हूँ। तो जल्दी से इसको फटाफट से मैं 5x7 का प्लेटफॉर्म में फटाफट से नीचे फिल करता हूँ, उसके बाद मैं इसको ऊपर चलता हूँ डर्ट लगाता हूँ। तो गाइस जरा मुझे एक चीज और आप लोग बताना कि मैंने यहाँ पे क्या नूपंती करा है, तो वो चीज आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। देखता हूँ कि कौन कौन इसको कौन कौन पकड़ पाया भाई, मैंने क्या यहाँ पे नूबड़ापंती करी है। तो प्लीज मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग को वाकई में इसका सब कुछ पता है, तो प्लीज मुझे बताना जरूर कि मैं यहाँ पे एक काम ऐसा करता था जिससे मुझे काफी ज्यादा जल्दी हो जाता है वाटर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अरे मैंने थोड़ा सा बोल दिया, फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है तो फटाफट आप लोग प्लीज कमेंट में बताना कि मैं क्या मैंने ऐसा यहाँ पे काम किया जो मुझे काफी ज्यादा मेरी टाइम को फर्दी में वेस्ट किया है। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म तो बिल्ड कर लिया बट हमें एक छोटा सा बना देता हूँ भाई प्लेटफॉर्म जिससे मैं ऊपर जा सकूँ यार। तो कोई बात नहीं, मैं अभी ब्लॉक को तोड़ दूंगा, पानी वहां से वापस जाने लगेगा। तो मुझे अभी वैसे भी एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ेगा बिकॉज मुझे उसके बाहर जाने के, मैं पानी से तो नहीं जाने वाला गाइस में। तो जल्दी से एक काम करता हूँ, इस वाले डर्ट को, इस वाले प्लेटफॉर्म को ना मैं तो इस वाले डर्ट को मैं पूरा उठा करके मैं पीछे वाले अपने लीफ ब्लॉक्स में कनेक्ट कर देता हूँ जिससे मुझे आने जाने में कोई दिक्कत ना, और मैं यहाँ से स्टेज भी नीचे बना दूंगा जो कि भाई मुझे अपने विलेजर ऊपर लाने हैं ना, तो उसके लिए भी मुझे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और अब कुछ नहीं करते हैं, मेरे को काफी एक काम है, तो ये प्लेटफॉर्म बिल्ड हो चुका है, अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट। तो ओके गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं अपने जितने भी मैंने करीब 20 बेड्स बना लिए, तो कुछ नहीं करता हूं, बस मैं डायरेक्ट इन बेड्स को मैं अभी प्लेस करने वाला हूं। तो पहला ब्लेड इधर रहेगा एंड अरे यार लग जाना ऊपर से ओ जमकर, ओके दूसरा यहाँ इस साइड साइड लगाने वाला हूँ और उसके बाद मुझे 20 बेड्स में प्लेस करने। तो आप लोग सोच रहे हो मैं 20 बेड्स में कैसे डालूंगा जो कि अपना फार्म ही बढ़िया वर्क करेगा और मैं विदाउट ज़ॉम्बी वाला 5 फार्म बना रहा हूँ जिसमें मुझे ज़ॉम्बी की जरूरत ना पड़े। तो कमेंट जरूर करिएगा फार्म कितना बढ़िया वर्क करेगा, तो वो भी मैं देखूँ जरा आप लोग क्या एकदम सही गैस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जल्दी से मैं फ्रेंड्स पूरे 20 बेड बना करके उसके बाद आपको डायरेक्ट मिलता हूँ। बस अपने को कुछ नहीं करना है, बस अब इन प्लेटफॉर्म से मुझे 2 हाइट ऊपर उठा करके मुझे इनके वर्क स्टेशन प्लेस करें। तो कुछ मैंने फ्लैशिंग टेबल्स बना लिए, मेरे पास कुछ फ्लिंट पड़े थे तो मैंने इनसे फटाफट से अपने 5 फ्लैशिंग टेबल बन गए, बट मुझे अभी एटलीस्ट 15 और बनाने पड़ेंगे। तो मेरे पास फ्लिंट खत्म हो चुका है, उसके लिए मुझे काफी सारा मुझे फ्लिंट फाइंड करना पड़ेगा यार। तो 20 फ्लिंट के लिए मुझे कितना टाइम लगने वाला मुझे खुद ही पता भाई, का फ्लिंट मिलने ग्रेवल से मुझे फ्लिंट मिलेगी, बट कोई नहीं अभी मैं फटाफट से 5 फ्लैशिंग टेबल्स इनको प्लेस कर देता हूँ जल्दी से। तो ओके गाइस मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इनका प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया है जहाँ पे विलेजर्स चलेंगे और ये बैट तक भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, बस 3x5 का मैंने प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया और मेरे पास जो फ्लैशिंग टेबल जैसे कि मैंने बताया खत्म हो चुकी है। तो मुझे काफी सारा माइन करके मैंने काफी सारे फ्लैशिंग टेबल बना के ले आया हूं। अब बस कुछ नहीं कर रहा, मुझे बस केवल ऐसी फ्लैशिंग टेबल 20 फ्लैशिंग टेबल है जो कि प्लेस कर देना है, उसके बाद मुझे उनको पूरा ग्लास से कवर कर देना है। ठीक है तो जल्दी से मैं इनको फ्लैशिंग टेबल सारे प्लेस करके और इनको ग्लास से कवर करके डायरेक्ट मैं उसके बाद मिलता हूं। ओके नहीं तो यार वीडियो काफी लंबी जाती थी, आप लोग देखते नहीं हो, जल्दी से मैं उसको पूरा काम करके बाहर डायरेक्ट मिलता हूं। ओके गाइस अभी मैंने जो भी यहां पे फ्लैशिंग टेबल का काम था उसको कर दिया और मैंने इसको ग्लास से कवर कर दिया। अब मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेयर्स का और मैंने साथ में नीचे के वो जो ब्लॉक्स थे जहाँ मेरे किलिंग चैम्बर बनना था वहाँ ले ब्लॉक्स के मैंने रिमूव कर दिए ताकि भाई मैं स्टेयर्स के बना के नीचे चला जाऊँ और उसके बाद मैं सबसे पहला काम करूंगा इस किलिंग चैम्बर का काम को ओके कर दूंगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे जितने भी स्टेयर्स बनानी है तो उसको फटाफट बना लेता हूँ, उसके बाद मुझे काफी सारे भाई विलेजर्स को लाना है और साथ में माइंड कार्ट वगैरह भी बनानी है, रेल बनानी है जो कि नीचे से विलेजर में उठा करके अपने फार्म में डालने वाला हूँ। तो अभी मुझे बहुत सारे काम है तो जल्दी से मैं सारे काम निपटा देता हूँ, ठीक है उसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ। तो ओके गाइस अभी मैंने यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपने लिए पूरा रेल के लिए जो भी सामान चाहिए वो पूरा मैंने स्टेयर्स बना दिया और साथ ही मैंने यहाँ क्लिंग चैम्बर बना दिया तो जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। मैं उसको सोच रहा था 2 ब्लॉक और नीचे लेके जाऊँ, फिर मैंने सोचा यहाँ पे काफी ज्यादा ऑलरेडी नीचे हो चुका है, पता नहीं उसके बाद कोई दिक्कत हो जाए, शायद आयरन अगर ना प्रॉपर स्पॉन हो। तो प्लीज मुझे कमेंट बताना कि अगर क्लिंग चैम्बर बिल्कुल एकदम मैं अगर फेस से टेस्ट करके लाता तो भी अच्छा लगता कि नहीं लगता, तो प्लीज मुझे बताना जरूर कमेंट करके। अभी फिलहाल मैंने उसको कर दिया और वहाँ पे आयरन अगर स्पॉन होते वो गोलम स्पॉन होते प्रॉपर के ना होते प्लीज कमेंट जरूर करना। एंड अभी मैंने आप अपना स्टेयर बना दिया और साथ में क्लिंग चैम्बर करके ऊपर मैंने सारा जो भी व्यवस्था करनी थी विलेजर को ऊपर तक ले जाने की तो वो कर दिया है, बस मुझे अब केवल बनाने काफी सारे माइंड कार्ड बनाने हैं और विलेजर्स को सबसे पहला काम करता हूँ, अपने विलेजर टाउन से विलेजर्स उठा के पहले यहाँ डालता हूँ उसके बाद फिर अपना माइंड कार्ड वाला काम उसके बाद करें। तो सबसे ज्यादा भाई दर्द वाला काम है विलेजर्स को मूव कराना, जैसे कि आपने पहले देखा था कि मैंने उनके विलेज से अपने कासल तक मूव कराने भाई कितना परेशान किया उन्होंने, तो देखते हैं आज ये कितनी ज्यादा मुझे परेशानी और देने वाले हैं। तो कोई नहीं अब काम करना है अपने फायदे के लिए, तो भाई प्लीज थोड़ा सा तो मेहनत
मेहनत करनी पड़ेगी, तो फटाफट से चलता हूँ मैं इनके विलेजर्स के घर में सीधा, भाई थप्पा बोल देता हूँ एकदम में। तो ऑल राइट गाइस, मैंने काफी सारी बोट वगैरह बना ली है जिसमें मैंने काफी सारे विलेजर को देखो बैठा भी दिया, बट भाई ये लोग एक काम कर रहे हैं, ये लोग भाई एक बोट में दो दो चल के बैठ जा रहा है, और इसको देखो भाई तीसरा भी चल के बैठना चाह रहा है उसी की बोट। अरे मैंने इतनी सारी बोट और प्लेस करी तो उसमें जाके बैठ जा भाई, उसी में क्यों बैठना है। और ये देखो भाई हर जैसे तोड़ूंगा तो देखो ये तो पुक के अंदर भाग गया है ना, अभी देखना या तो उसके साथ बैठेगा, ओके ये अलग बैठ गया, अभी इन दोनों की दोस्ती नहीं टूट रही भाई, जय वीरू पूरा बने घूम रहे भाई, क्या ही करेंगे ये लोग भाई। भाई ये सच में भाई परेशान करने की भाई ये लोग मशीन है, इन किसी को कुछ ना हो रहा हो बस इनके इनके पास लाके छोड़ दो भाई, पक्का आदमी पागल हो जाएगा। एंड रुको, सबसे पहले काम करता हूं, मैं इसको बंद कर देता हूं ताकि ये विलेजेस बाहर ना आ जाए, और अगर मैं जो वॉल तोड़ूंगा उससे निकल के बाहर ना भाग जाए, तो मैंने बस यहां पे बंद कर दिया। एंड अभी आखिरी इनको मैं बैठा लेता हूं और लेकर सीधा अपने कासल की तरफ मूव करता हूं। तो ओके गाइस, मैंने अभी अपने एक विलेजर को पकड़ लिया है जो कि भैया अकेले बैठे थे, तो इनको पकड़ लिया और फटाफट से मैं यहां पे अपना कासल तोड़ रहा हूं। भाई मुझे बर्बाद तो नहीं करना चाहिए भाई मुझे इनका घर, बट क्या करूं मजबूरी है, ले जाना पड़ेगा। तो भैया इनको बोट में बैठा के टहलाते टहलाते लेके चला जाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना बेवकूफ आदमी, मैं यहां पे सीधा रेल बना करके माइनक्राफ्ट बैठा के इनको यहां से डायरेक्ट मूव करा सकता था, बट भाई हुआ ये कि मेरे पास जितना भी आयरन था, मैंने केव से आयरन लेकर आया था, उसको अपनी बेवकूफी से मैंने यहां पे अपना आर्मर बना लिया और काफी सारे टूल बना लिए, तो आयरन मेरे पास। फिर भी मैंने अपने शातिर दिमाग से एक प्लान बनाया है, मैंने यहां पे सस्ता फार्म बनाया है जिनसे काफी सारे आयरन गोलम स्पॉन होते रहेंगे, और मैं उनको मार मार काफी सारे आयरन यहां कलेक्ट कर लूंगा जिनसे मैं अपने माइनक्राफ्ट और रेल्स को बना पाऊंगा। बिकॉज मेरे पास अभी जीरो आयरन है, तो मैं अभी केव में जाकर के भाई माइन करने वाला बिल्कुल नहीं हूं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैं नहीं चाहता वहां जाके मेरे को मार दे मॉब और मैं मर जरूर जाऊंगा, मुझे इतना पता है। तो भाई जल्दी जल्दी काम है मुझे, यही सबसे अच्छा छोटा और सस्ता फार्म देसी टिकाऊ फार्म मुझे याद आया, तो मैंने फटाफट से मैंने सोचा यही काम करेंगे, जल्दी से मैं इस विलेजर को यहाँ ला के छोड़ता हूँ, और इसके बाद मैं सारे विलेजर्स यहाँ ला करके डायरेक्ट मैं मिलता हूँ, क्योंकि यार वीडियो सेम चीज यार लंबी हो जाएगी। तो ये देखो गाइस, अभी अपने सारे विलेजर मैंने एटलीस्ट कम से कम 20 विलेजर्स यहाँ मूव करवाए हैं, तो कुछ यहाँ पे बेड पे सो रहे हैं और कुछ को मैंने अभी बोट में बैठा रखा है। भाई मेरे पास अभी इतने सारे बेड नहीं है और मैं फार्म बनने पर इतने सारे बेड का क्या करूंगा, तो फिलहाल बेड का रहेगा वो अलग चीज है। तो ये देखो अपना जो सस्ता फार्म मैंने आपको बताया था वो चल रहा है बकायदा बढ़िया, मैं इनको जितने भी गोलम यहाँ स्पॉन हो रहे सबको मार मार के मैंने अभी तक 11 आयरन कलेक्ट कर लिया, और थोड़ी देर में और मैं यहाँ जब तक काम करूंगा विलेजर्स को ऊपर मूव कराऊंगा या लाऊंगा ले जाऊंगा, तब तक भाई अपना माइनक्राफ्ट तो बनाऊंगा, तब तक यहाँ पे एटलीस्ट मुझे लगता है 10 गोलम्स और स्पॉन हो जाएंगे जिनसे मुझे मिलाकर 30 टोटल आयरन और मिल जाएंगे, उससे मेरा पूरा काम हो जाएगा। और ये देखो कितने चौड़े से भाई सो रहे हैं, इनको नहीं पता अभी भाई ये लोग बस जगने वाले हैं ऐसा कि भाई सोएंगे नहीं कभी। तो जल्दी से मैं कुछ रेल्स और सब कुछ बना के मैं सारा सामान ले आया हूं गाइस, अपना जितना भी भाई मेरे को चाहिए था, तो ये मेरे पास कुछ रेल पड़ी हुई थी, रेल मैंने बना लिए। एंड ये देखो अपने पास आयरन काफी सारा हो गया, मैं इन्वेंट देख रहा था कि पावर रेल की रेसिपी क्या होती है, बहुत देर से ढूंढ रहा था बट नहीं मिल रहा था, तो मेरे पास कुछ गोल्ड भी था, जैसे कि आपने देखा था मैंने काफी सारे विलेजेस के लूटे थे, और 2-3 मैंने स्टार्टिंग में ना मैंने लूटे थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रुइन पोर्टल लूटे थे, तो मुझे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक मिल गए थे, और मैं जब डायमंड माइन करने गया था तब भी काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक मिले थे, तो मैंने उनसे भी गोल्ड इंगट बना लिए। और अब मुझे बस यहाँ पर रेसिपी देख रहा था कि मुझे पावर ट्रेड की रेसिपी क्या होती है, मैं यार फिर से भूल गया था। तो उसके लिए ओके, तो एक सैंड रेड स्टोन चाहिए, तो मैंने कोई नहीं मैंने वहीं सुखा लिया, तो 6 पावर रेल नहीं मुझे कम से अभी 12 से तो इजी काम हो जाएगा। नहीं मैं काम करता हूँ, मेरे पास 5 ही बच्चे हैं, वैसे भी नहीं बन सकता, तो बस 12 पावर रेल जल्दी से काम करता हूँ, जितना मैं सामान है जैसे पावर रेल हो गए, रेल हो गए, माइनक्राफ्ट हो गया, इनको लेकर के डायरेक्ट मैं अपने विलेजर को विलेजर्स के छोटे फार्म में पहुंचता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, अभी हमने जितना भी अपना माइनक्राफ्ट वगैरह सामान था, माइनक्राफ्ट और पावर रेल और रेल वगैरह सब कुछ बना के यहाँ ले आऊँ, और देख रहे हो आप मेरी इन्वेंटरी में देख सकते हैं आप लोग सारा सामान है भी, जल्दी से सारा माइनक्राफ्ट पावर रेल और रेल सारी प्लेस कर देता हूँ, जहां भी थोड़ा सा हाइट वाली जगह वहां मैं पावर रेल डालने वाला हूँ, ताकि भाई इजी अपनी माइनक्राफ्ट ना मूव हो जाए, मुझे कोई दिक्कत ना हो, ना ही इन विलेजर्स को दिक्कत हो, जो कि फटाफट से भाई डायरेक्ट मेरे फार्म में पहुंच जाए, बिकॉज इन्होंने बहुत परेशान कर दिया, और ना परेशान करें। तो जल्दी से मैं पावर रेल वाला काम कर और इधर माइनक्राफ्ट मुझे प्लेस करनी है, माइन ये रेल प्लेस करनी है, रेडस्टोन टॉर्च इनको एक्टिवेट वगैरह करके डायरेक्ट मैं सारा काम निपटा करके बस इनको मूव कराने के लिए फिर डायरेक्ट मिलता हूं। यार मैं नहीं चाहता भाई बोर हो आप लोग बिल्कुल, बस जल्दी जल्दी से मैं सारा काम निपटाता हूं गाइस। तो ऑल राइट गाइस, अभी मैंने अपना जितना भी ये माइनक्राफ्ट वाला काम था, रेल वाला काम था, उसको करके और मैं आके अपनी प्यार से तो आके मैंने प्यारी से एक झप्पी ले लिया है, और ये देखो यहाँ पे एक भाई बेड पड़ा हुआ है, तो उसको फटाक से तोड़ता हूं, और मैं लास्ट में खाली बस मुझे एक यहाँ पे 2 रेल्स और एक जो है पावर रेल रखनी थी, तो मैंने एक विलेजर के यहाँ भेजा, बट ये वापस क्यों आ गया मुझे लग रहा है शायद कुछ दिक्कत हो। तो ऑल राइट गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने विलेजर्स को भेज दिया ऊपर, बट बीच में थोड़ी समस्या आ रही, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था एक जगह, थोड़ा सा मैंने पावर रेल गलत लगा दिया, तो उसको मैंने तोड़ के प्लेस कर दिया, और अब इनको फटाक से इस विलेजर के यहाँ से तोड़ता हूँ। और भाई ये कोने में क्यों घुस गया, पहले काम करता हूँ जल्दी से, पीछे एक ब्लॉक कवर कर देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ जल्दी से एक ब्लॉक, और भाई अब ये आगे क्यों नहीं जा रहा, भाई रुको अगर मैं डर्ट तोड़ूंगा तो शायद उछल के ऊपर ना चला जाए, तो मुझे थोड़ा सा प्लानिंग, भाई इन लोग की भाई सिरदर्दी, भाई इतना बड़ा आगे एरिया पड़ा है। अरे ये देखो देखा भाई भाई रुक जा मत ऊपर मत, हाँ मत बच गया, भाई इन लोग की सिरदर्दी है भाई, इन लोग को परेशान करने में भाई बड़ा मजा आता, अरे इतना बड़ा आगे एरिया पड़ा उसमें जाना कूद के। तो ऑल राइट गाइस, अभी मैंने पूरी मेहनत करने के बाद काफी ज्यादा मैंने सोच विचारा करा, और मैंने फिर एक आइडिया किया कि इसको पूरा मैं एरिया कवर कर देता हूँ, और ये देखो अभी भी नहीं जा रहा। ओके तो गाइस ये देखो अपना सबसे पहला विलेज
इधर गाइस है कैप्चर उसका, तो वैसे मुझे एटलीस्ट कम से कम 20 विलेजेस यहाँ पे लाके डालने वाले। गाइस ये एक इंसान ने मुझे इतना परेशान कर दिया, तो अभी 20 विलेजेस, अभी यहाँ 19 और लाने तो वो मुझे कितना परेशान करेंगे। टीम विलेजर्स जो बचे हैं उनको फटाफट संभाल करके उसके बाद डायरेक्ट आपको मिलता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइस, देखो अपना गाइस अभी अपना फार्म पूरा बन के रेडी हो चुका है, वो भी किलिंग चैम्बर भी रेडी और अपने यहाँ पे बढ़िया से काफी ज्यादा अमाउंट में गाइस आ रहे हैं यहाँ पे फटाफट से किलिंग चैम्बर अपने आके मर भी रहे। और मैंने अभी तक कम से कम नहीं तो गाइस अभी तक 15 से ज्यादा स्टैक आयरन अपने कलेक्ट हो चुके हैं शायद चेस्ट के अंदर, और मैंने करीब 6 स्टैक आयरन या 8 स्टैक आयरन मैंने निकाल चुका हूँ चेस्ट से, जिसमें से मैंने 2 स्टैक आयरन मैंने यूज कर दिए, करीब 4 स्टैक आयरन मैंने भी वहाँ पे जहाँ मेरा पूरा सामान स्टोर है वहाँ पड़ा हुआ। तो रुको अभी आपको थोड़ी देर में आपको अभी तुरंत के तुरंत कोई गोलम स्पॉन होगा, जैसे ही नीचे गिरेगा वैसे आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये देखो गाइस कितनी जल्दी गाइस अपना गोलम गिर चुका है, और अभी आपको रुको अभी आपको चल के अपने चेस्ट भी चेक कराऊंगा, ये भी चेस्ट भी और ऊपर चेस्ट भी। तो थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई थी, पता नहीं कि उसमें गोलम स्पॉन नहीं हो रहे थे, वो पता नहीं क्या रीजन था नहीं हो रहा, तो मैंने फिर थोड़ा इसके अंदर चेंजेस किए थे, तो उसके बाद भी लेकिन अच्छा खासा वर्क कर रहा है। और मुझे आप लोग सजेस्ट जरूर करना कि और कौन कोई सा और अच्छा डिजाइन या और कोई अच्छा तरीके से हम आयरन फार्म बना सकते जो कि उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ आयरन दे। बट अभी मेरे साथ इतना डिसेंट है भाई, बहुत आयरन है, अभी मुझे काफी ज्यादा आयरन की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी मैं केवीएम में जाता रहूंगा तो वहां से भी आयरन मुझे मिलता रहेगा। बाकी आप लोग सजेस्ट जरूर करना कि और भी कोई अच्छा इससे भी अच्छा बिल्ड है आयरन फार्म का, तो मुझे जरूर आप लोग सजेस्ट करना कमेंट में जरूर लिखना। एंड अभी रुको आपको ऊपर भी एक चेस्ट चेक कराता हूं, ऊपर वाले चेस्ट में करीब मेरे ख्याल से 2 स्टैक से ऊपर आयरन है, क्योंकि ऊपर गोलम स्पॉन नहीं हो रहे, ज्यादा नहीं हो रहे, बट मैंने एक बना दिया क्लिंग चैम्बर ऊपर भी ताकि अगर एक दो भी स्पॉन हो तो इजिली ऊपर ही देर हो जाए, उनको नीचे या कुछ करने देखो तुरंत अभी गोलम फिर स्पॉन हो ना, अभी जस्ट नीचे स्पॉन होता है यहाँ ऊपर वापस स्पॉन हो, तो 2 स्टैक आयरन भी यहाँ पर। कैसा लगा गाइस आपको ये फार्म प्लीज मुझे जरूर कमेंट करना। एंड काफी मेहनत लगी, काफी टाइम लगा, करीब मुझे उसको बनाते बनाते गाइस मुझे 30 से 35 घंटे से ऊपर ज्यादा लग गया, एडिटिंग कार्ड खाली एडिटिंग इसको बिल्ड में टाइम लग गया मुझे। तो गाइस काफी अच्छा लग रहा है, अपना पहला भाई आयरन फार्म है तो जो की पहली भाई एडवांसमेंट है, काफी मेहनत करके बनाया है तो काफी अच्छा लग रहा है। प्लीज आप लोगों से कमेंट जरूर करना है, सजेस्ट जरूर करना है और भी कोई अच्छे से फार्म बना सके। बाकी अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रिफ के होगा ताकि एक बार में आयरन ले लूं, ताकि मुझे बार बार लेना पड़े। तो बस मिलते हैं दूसरी वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे नरसाधन, स्टे पीस, बाय बाय गाइज।